उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को रिजल्ट आ गया और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत सरकार बना ली, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे थे जिन्होंने अपनी जीत से चमत्कार कर दिया। कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को हराकर बलिया के बांसडी से केतकी सिंह ने एक कहीं ना कहीं एक नई मिसाल पेश की है। हमारे साथ मौजूद है इस समय आज तक पर केतकी जी, आपको बहुत बहुत पहली बात बधाई हो, आप जीत कर आई हैं। कैसे देखती हैं अपनी इस जीत को, क्योंकि आपने जो हराया है वो नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को हराया, जो एक बड़ा टास्क था आपके लिए। देखिए, ये जीत जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता की विश्वास की जीत है। जिस तरह श्रीमान योगी जी, मोदी जी ने जनता का विश्वास जीता, प्रेम जीता, ये उसकी जीत है। और रही मेरी सीट, तो मेरी सीट तो बांसडी की, पूरे बलिया की बहुत ही चर्चित सीट थी, मैं कह सकती हूँ उत्तर प्रदेश की चर्चित सीट थी। सबसे बड़े नेता को उत्तर प्रदेश के हम लोगों को हराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। मैं आपको सच बताती हूँ, ये इतना कमाल योगी जी ने और मोदी जी की सरकार ने कर दिया था कि जिसको भी टिकट मिल रहा था उसको ये समझ लेना चाहिए कि बस थोड़ा सा काम कर लो, आपको विधानसभा में एंट्री मिल जाएगी। तो ये पूरा मेरे संगठन का, संजय निषाद जी का बहुत सारा आशीर्वाद उसके साथ मुझे मिला, उसका कमाल था। आप निषाद जी के उससे टिकट से लड़ी थी एक तरीके से उनकी उससे आपको, क्योंकि पिछली बार जब आप निर्दलीय लड़ी थी तब भी आपने राम गोविंद चौधरी जी को कहीं ना कहीं नाको चने चबवा दिए थे, तो ऐसे में कैसे जीत इस तरीके से चेंज हुई इस बार की, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी जो आपने हरा दिया? देखिए, पिछली जब निर्दल लड़े थे तभी जनता ने जनादेश दे दिया था बांसडी में कि अब मंत्री जी के जाने का समय हो चुका है, पर वो प्रेम की भाषा समाजवादी पार्टी तो समझती है नहीं, तो उनको था कि ढोल ताशे नगाड़े बजा के विदाई करें। तो हम लोगों ने इस बार वही उनकी इच्छा पूरी कर दी। जिस तरह से 15 वर्षों से वो वहां के मंत्री रहे, विधायक रहे, और आज भी छोटी छोटी सुविधाओं के लिए मेरी विधानसभा तरसती रही। अगर योगी जी की सरकार नहीं होती तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जहां उनको 400-500 मत मिलते थे समाजवादी पार्टी को, वहां वो आज तक एक बल्ब जलाने में असफल रहे। वो तो योगी जी आए और समस्त योजनाएं उनकी भी बूथों पर गई। तो आप बलिया से, जिस तरीके समाजवादी पार्टी का माना जाता था गढ़ है वहां पर, और एक तरीके से कहीं ना कहीं राम गोविंद चौधरी का वो किला था जो आपने भेद दिया, अब आपको क्या लगता है कि जो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि क्या आपको लगता है कि आप कैबिनेट में भी आपको जगह मिलनी चाहिए, जिससे चूंकि मंत्रिमंडल नया विस्तार हो रहा है, योगी जी की नई टीम बनाई जाएगी, तो उस टीम में आपको? देखिए, हम लोग तो सिपाही हैं और हम लोगों को शस्त्र के रूप में टिकट दिया जाता है और मैदान पर छोड़ दिया जाता है। मुझे भी, मुझ जैसी छोटी सी कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के बाद जो दूसरे नंबर के ताकतवर नेता थे उनके सामने अपनी इस कार्यकर्ता को उतार के ये तो संदेश पहले ही दे दिया पार्टी ने कि पार्टी को मुझ पर बहुत भरोसा है। और मैंने भी प्रयास किया कि पार्टी के भरोसे को कायम रखूं, जो भी आदेश पार्टी करेगी हम लोग सिपाही जैसे काम करते हैं। बस एक चीज मैंने ठानी है और अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि अपने आचरण से हम कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे कि कहीं से भी हमारे संगठन को, हमारे दल को नजरें नीची करनी पड़े या हमारी सरकार के ऊपर कोई उंगली उठा सके। आपका एक नाम था शिवशंकर चौहान, जो पहले भी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, उसके बाद आपको दिया गया, तो आप कैसे देखते हैं किस तरीके से, चूंकि चेंज किया, सडन आप आई सामने और आपने फिर जीत के फिर निकलकर सामने आ गए। देखिए, शिवशंकर चौहान जी पहले विधायक रह चुके हैं, वहां से बसपा से वो विधायक थे और इस चुनाव में उन्होंने एक बड़े भाई की भूमिका निभाई। मैं उनके पास गई, उनका समर्थन मांगा, उन्होंने भी अपना दिल बड़ा करके दिखाया। ये एक ऋण है, मेरे ऊपर भी है, पार्टी के ऊपर भी है, और मुझे लगता है कि हर कार्यकर्ता को उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह पार्टी के लिए आप काम कर सकते हैं। अब आगे क्या, केतकी सिंह आप कहाँ, क्या देखते हैं आगे? केतकी सिंह वही है बस, आप अभी तो लोग विधायक विधायक बोल रहे हैं तो मैं पलट के देख रही हूँ बोल किसको रहे हैं। तो मन में ये भाव चल रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसे नेता मुझे 15 वर्षों से जनता ने जिस रूप में मुझे स्वीकारा है वही रूप मेरा रह जाए, बस यही कामना है और कुछ नहीं, बाकी तो ईश्वर की इच्छा है। तो ये केतकी सिंह बड़ा ही सरल और विनम्र स्वभाव की साफ तौर से मानना है कि जो हराया है समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रहे राम गोविंद चौधरी को, उसको हराने के बाद जो सीट जीती है वो अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, और हालांकि अब कह रही है साफ तौर से कि अब वो किसी भी निर्णय के लिए, किसी भी पद के लिए तैयार है और किसी भी, जैसी भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसके लिए ये कहीं ना कहीं अग्रसर है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव आज तक।